रुक जरा, इंट्रो नहीं करवाएगा? हाँ हाँ, आप तो भूटान के राजकुमार हो ना जो इंट्रो करवाऊँ आपका। ए, घास हमेशा बगीचे में अच्छी लगती है, घर के अंदर नहीं। ए, मुझे भी अंदर ले चलना। चुपचाप बाहर खड़ा रहा, नहीं तो धो दूंगा तुझे। यहीं रहना। मैं खुद अपनी जान हथेली पे लेके ऊपर से ये आ गया। हे भगवान, बस मुझे यहाँ से जिंदा निकाल देना। अब रेडियो किसने बंद कर दिया? तुम्हारे पापा ने बंद करने को कहा। अगर आप रेडियो ऑन नहीं करेंगी तो मैं बाहर नहीं आऊंगी, सारा दिन ऐसे ही बाथरूम में ही गुजार दूंगी। ठीक है, थोड़ा आवाज कम करके चालू कर दो। बेटी, मुझे जल्दी जाना है, बाहर आओ। वाह 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 वाह, क्या सुंदर, क्या खूबसूरत। एक ही शब्द में अगर कहूँ तो जैसे मंदिर में खड़ी कोई देवी हो। ए, अगर वो देवी है ना तो उसका बाप उसकी रक्षा करने वाला भैरव बाबा है, और उसका चाचा, अरे बाप रे, खतरनाक तांत्रिक है वो, हर समय भूत उतारने के लिए तैयार रहता है वो। वैसे भी उनका हमारे गाँव से कोई रिश्ता नहीं रे, ये रिस्क लेके मरना क्यों चाहता है। लेकिन हमें तो अपनी कोशिश करनी चाहिए ना। पता चल गया, उसका नाम है लक्ष्मी, पहले वो शहर में पढ़ाई कर रही थी, अभी अभी गांव के कॉलेज में आई है, बीएससी फाइनल ईयर कर रही है। अरे बाप रे, दो लोग पहले से ही लाइन में हैं, क्या करें, माल ही ऐसा है। मेरा मतलब खूबसूरत है। हाँ। तुम भी लाइन में हो, दो लोग ऑलरेडी लाइन में थे, उसमें से एक को तो उसके बाप ने पहले ही किनारे लगा दिया। देख ध्यान रखना, लड़की बहुत होशियार है, कॉलेज के फर्स्ट फ्लोर पर उसका क्लास है और सेकंड फ्लोर पर सुशीला का क्लास है। मेरी वाली कौन है बे? मेरी गर्लफ्रेंड है भाई। अच्छा, माना क्यों? बात खाली मेरी वाली के बारे में कर। 8:30 वो घर से निकलती है, उसके बाद 9:00 वो नदी के किनारे पहुंचती है, 9:30 वो बोट में बैठकर कॉलेज जाती है, 10:00 का कॉलेज है भाई उसका। अभी टाइम क्या हुआ है? 9:05 है भाई। 9:00 तो बोट निकल जाएगी यार। ए, घर में माँ बाप को बोल के आया कि नहीं? तू कह देना। क्या वीर भानु के साथ तू भी जा रहा है? चल मैं किस लिए यार? लड़के के सामने मुझे महान जो बनाना है, चल। अगर उसके बाप को पता चला तो जिंदा गाड़ देगा वो दोनों को। अरे रुक, मेरी अरे आ रहा है। रुक जाओ। अरे यार मार दे, भाग निकला। ऐसे बंदर की तरह छलांग क्यों मारी तूने? मैं बोट किनारे ही लगा रहा था ना। किनारे लगा रहे थे, जा नहीं रहे थे क्या? मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे तो नहीं लग रहा है। अरे हाँ, टाइम तो देख जरा, बराबर है ना? घड़ी में टाइम ठीक है लेकिन हमारा खराब है। मेरी बात सुन यार, वापस घर चलते हैं। अभी मेरी लक्ष्मी आती होगी अपनी पुस्तिकाओं को हाथ में लेके। हाँ, और पीछे उसका बाप भी आएगा। लक्ष्मी के साथ उल्लू तो आएंगे ही ना, उन पर ध्यान मत दे। अरे हाँ, उसके आने के बाद हाँ? ये फूल ऐसे लेकर ऐसे पोज दूंगा तो कैसा लगूंगा? जैसे लंका में हनुमान जी ने सीता जी को अंगूठी दी थी वैसा। अच्छा ठीक है, ये कैसा है बताऊं क्या? हाँ? जैसे कुत्ता बिजली के खंभे पर टांग उठा के कर रहा हो। अच्छा, तेरे उधर देख तो। नहीं नहीं, ये मेरा फ्रेंड नहीं, बस इसे बचपन से जानता हूँ मैं। तो फिर कल हमारे घर के सामने बंदर की तरह क्यों चल रहा था ये? तुम लेकर आए थे ना? अरे नहीं नहीं नहीं, इसने बस रास्ते में लिफ्ट मांगी थी इसलिए इसको साथ ले आया था। कहानी तो देखो, क्यों रे, इस गांव में सभी ऐसे ही है क्या? कल मुझे देखकर उछल रहा था और आज देखो तो फूल लेकर आया है, पोज भी मार रहा है। सुना, फूल के साथ लेटर देना चाहता था, इसने कहा फूल ही काफी है, गधा कहीं का। मैंने कहा था? नहीं कहा था। फूल तो ठीक है पर ये पोज देने के लिए किसने कहा था? तुझे तो पोज मस्त था। हाँ मेरा ही था, दिखाऊं? ये वाला था ना? नहीं नहीं, इससे पहले वाला। हाँ ये वाला। नहीं नहीं, इससे भी पहले वाला, वो एक पैर उठाकर ऐसे पकड़कर खड़े थे जो। अच्छा ये? हाँ यही वाला। लक्ष्मी बेटी, भागले उसके पाप आ गया। ए, ये तो पानी में कूद गया, जिंदा है या मर गया? बेटी
हाँ पापा। देखो ये सब ठीक नहीं है बेटी। क्या? और नहीं तो क्या, सुबह मुझसे कहा था कि फीस भरनी है, ये भी मुझे याद दिलाना होगा। जल्दी में भूल गई पापा। कितने हुए? आपकी मर्जी। हा? तुम्हारे कॉलेज में जितने तो उतने ले लेते हैं। 700। पापा 100 रुपए और दूं क्या? हाँ साहब। बच्ची अकेली है, जरा ध्यान रखना। हाँ ठीक है साहब, ध्यान रखूंगा। कहीं सच में मर तो नहीं गया? अरे गधे लंगूर पागल कहीं के, मैं तो डर ही गई थी। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मुझे जेल हो जाती। ऐसे कोई पानी में कूदता है क्या? तुम्हें जरा भी अकल नहीं है बेवकूफ कहीं के। तुम ऊपर तो तुम्हारी जान ही ले लूंगी, खून पी जाऊंगी, छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। तुम बाहर आओ, तुम्हें अभी दिखाती हूँ मैं। देख से ठीक चले जी। नमस्ते। क्या रे, क्या बात है बोल। पूना में मेरे साले की शादी है। रिश्ता अच्छा मिला है ना? दहेज कितना ले रहा है? हमारा कौन सा बड़ा डायरीज होता है। क्या डायरीज? हाँ जी वही दहेज। डाउरी ना, इंग्लिश सीख रहा है तू आजकल? साहब जी आप परमिशन दे तो 25 को पूना जाके फटको आ जाऊंगा। फटकर आ जाएगा? आप भी रहने दीजिए मालिक, मैं क्या फटूंगा। अरे तूने ही तो कहा फटकर वापस आऊंगा। मैं क्या फटकर आऊंगा? देख तू सुबह सुबह मेरी मत खिसका, समझा? मालिक एक बार हाँ कह देते तो। ना बोला ना। मालिक 25 को पूना जाकर फटको आ जाऊंगा। तेरी तो पूना जाकर तू कैसे फटेगा, क्या फोड़ेगा, मुझे जानना है। रे, 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 क्या हुआ? रैनी से पूछो ना। क्या रे? क्या हुआ? पूना में मेरे साले की शादी है मालिक। हाँ? मैंने कहा 25 को पूना जाकर फटको आ जाऊंगा। फटेगा तू? लेकिन मैं क्यों फटूंगा जी? यही बात है। अच्छा मुझे बताओ पूना, तुम अपने साली की शादी में जा रहे हो, ये फटको और आने का क्या ताल्लुक है? क्या फटेगा जी? अबे तेरी तो पूना की कहानी फिर से बता। अरे गोली से मार दूंगा। क्या फटेगा, कैसे फटेगा, सब बता बता मुझे। बात क्या है? अरे इसी से पूछना। क्या हुआ काका? पूना में मेरे साले की शादी है, मैंने कहा 25 को पूना जाकर फटको आ जाऊंगा। तुझे समझ में आ गया? पूना में इनके साले की शादी है। ये तो मेरी समझ में आ गया। 25 तारीख को जाकर, वो भी मैं समझ गया, फर्स्ट को वापस आ जाएंगे। ओहो फर्स्ट को आ जाऊंगा बोल रहा था। फर्स्ट को आ जाऊंगा कहा? पहले तो फटको आ जाऊंगा कह रहा था। 25 को तू चला जा, लेकिन अगर वापस आया ना तो तुझे गोली मार दूंगा मैं। गुड मॉर्निंग गर्ल्स, ऑल ऑफ यू सिट डाउन। टुडे आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट पॉलिनेशन, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर पोलन फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर। डिड यू अंडरस्टैंड? Any difficulty, students? Come on. गाड़ी मेरी है यार, प्यार से हैंडल करना। ये सर्कस के कर्तव्य क्यों दिखा रहा है मुझे? अच्छा वो चला गया। ये दवाइयाँ असली हैं ना? डाउट मत करो भाई साहब, पिछले महीने इसे पीकर 6 किसान मर गए थे। चाहो तो आप भी टेस्ट कर सकते हो। तो देर क्यों कर रहे हो, टेस्ट करो ना। क्या हुआ, बकवास बंद करो और बिल बनाओ। ये कौन है जो सड़क पर ही सर्कस दिखा रहा है? कॉलेज के सामने कर रहा था, तब भाव नहीं दिया तो यहाँ आकर शुरू हो गया। आजकल के जवान लड़कों को देखिए, एक बार गाड़ी हाथ में आई ना तो नजर जमीन पे नहीं रहती है। उसकी स्पीड देखिए आपने, अगर ऐसे चलाता रहा और गिर गया तो बॉडी का पता नहीं चलेगा। गलती उसकी नहीं है, उसके बाप की है जिसने उसे गाड़ी खरीदवाई। अरे वीर भानु, सामने देख। अबे हट बे, मेरा गुलाब का फूल आ रहा है। देखा गिरा तो भी टांग ऊपर है इसकी, पता नहीं कैसे कैसे लंगूर है। तुम लोग जाओ मैं आती हूँ। हाँ ठीक है। ओए इधर आओ। मैं आऊँ? हाँ तुम ही। क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी, क्यों आवारों की तरह इस तरह मेरा पीछा कर रहे हो? अरे तुम्हें इम्प्रेस जो करना है मुझे। इम्प्रेस करना है मतलब तुम्हारी तरह की आइटम मतलब सुंदरियाँ आसानी से पड़ती नहीं है ना, हमें तो अपनी कोशिश करनी चाहिए ना। लड़कों को देखकर हम लड़कियों को भी दिल से चेहरे पर ग्लो आना चाहिए, तभी वो पड़ती हैं। वो कैसे? ऐसे वैसे मतलब, हाँ मतलब वो करने के लिए हमें अपनी कोशिश करनी चाहिए ना। तुम्हें सुनो। देखो
गया जो लगता नहीं ये ज्यादा ओवर कर रहा है। मर गया। शैतान कहीं क्या गिरा दिया? ये कैसा इंसान है जो कॉलेज से यहाँ तक पीछा करता हुआ आ गया? ऐसा सबक सिखाना चाहिए कि सारी हीरोगिरी भूल जाए। पंडित जी, सगाई के लिए कम से कम कितना लेते हो? 511। और शादी के लिए? अब इसका 1011 जाएगा। वैसे शादी किसकी है? मेरी ही। कब है शादी? लड़की जब हाँ कहेगी। लंगूर कहीं का, एक दूंगी ना सारी बत्तीसी बाहर आ जाएगी। पापा, आप यहाँ कब आए? जब तू सड़क पर मोटरसाइकिल पर अपने सर्कस के करतब दिखा रहा था तभी आ गया था। क्यों रे, तू अपने आप को जैकी चेन समझता है क्या? बैंगन कहीं का, बैंगन कहीं का। क्या कह रहे हो पापा, आप भी ना इतने में ही डर गए क्या? ऐसा कुछ नहीं है, बहुत आसान था। कुछ नहीं था, बहुत आसान था। अचानक सड़क पर कोई ट्रक आता और तुझे ठोक कर चला जाता, तू उसके नीचे पापड़ बन जाता, तुझे चिमटे से खरोंच कर निकालना पड़ता। बैंगन कहीं का, बैंगन कहीं का। सब लोग देख रहे हैं पापा, घर चलकर बात करते हैं। आजकल के जवान लड़कों को चर्बी बहुत चढ़ गई है। तू चुप कर पोंगे। क्यों रे, तू जानता है तू ही मेरा इकलौता बैंगन है, अगर तुझे कुछ हो गया होता तो मेरा क्या होता। बैंगन कहीं का, बैंगन कहीं का। पापा, लेडी सामने है। घर चल, फिर बताता हूँ। बैगन कहीं का, बैगन कहीं का। बहुत बेइज्जती हो गई यार, लड़की के सामने बैंगन बोल दिया मुझे। भाई, प्रॉब्लम इंसान को ही आती है, तू परेशान मत हो भाई। बैगन, ताजे बैगन, काले बैगन, देसी बैगन। तुझे नहीं कहा भाई, वो अपना बैगन बेच रहा है। अपना मुंह तो धोने दोगे कि नहीं? अरे क्या हुआ? बैगन, ताजे बैगन, काले बैगन, देसी बैगन ले लो। बैंगन के अलावा और कुछ नहीं बेचता? सब्जियां तो सभी बेचता हूँ बाबूजी, लेकिन क्या है, बैगन के अलावा आपके गांव में आज कुछ नहीं बिक रहा है। तुझे तो मैं गुस्सा क्यों होते हो?